अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब इस वक्त? सब जहाँ रहें जी खुश रहें। आज का टॉपिक भी सर्दियों से रिलेटेड है, तो आज का टॉपिक फेस वॉश के बारे में है। वैसे तो बहुत सारे फेस वॉश, आप मार्केट में जाएं तो बे इंतहा फेस वॉशेज मिलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश को सिलेक्ट करना और वो आप पे सूट करता है नहीं करता। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर, क्योंकि हम हर कोई फेस वॉश नहीं ले सकते, हर तरह का फेस वॉश नहीं ले सकते। कभी हमारी स्किन पे ये सूट कर जाता है, कभी हमारी स्किन पे ये नहीं सूट करता। अब ये तो नहीं है जो मैं फेस वॉशेस बता रही हूँ वही बेस्ट है, उससे अच्छे नहीं है, लेकिन ये वाले अच्छे हैं। आप लोग 100% आप इसको इससे आपको कोई मसला नहीं होगा। आपकी स्किन अगर ड्राई और कॉम्बिनेशन है तो फिर बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए, और आप लोग इसको आंखें बंद करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले जी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और जी एक टिप है आपका फेस वॉश सेलेक्ट करने में, अगर आप फेस वॉश यूज़ करते हैं कोई आपकी स्किन को आपको फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आपको खिंचाव महसूस होता है, इट्स मीन आपका जो फेस वॉश है वो आपकी स्किन पे सूट नहीं कर रहा, आपको फेस वॉश चेंज करना चाहिए और अपनी फेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपना फेस वॉश सेलेक्ट करें। तो आज 5 फेस वॉशेज हैं जो मैंने यूज़ किए हैं और मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किए हैं उनको। कुछ ऐसे हैं कि जो मैं रेगुलर काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे हैं वो फेस वॉश। तो जल्दी से चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। ओके जी, नंबर 1 पे ये हिमानी का फेस वॉश है, इसको मैं तकरीबन सारा ही यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत थोड़ा सा रह गया, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और इसकी प्राइस बहुत ही रिजनेबल है, 155-160 की रेंज में है ये, और बहुत ही जो है ना 160-155 समथिंग, और बहुत अच्छा है। लेकिन ये इसका एक चीज़ है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपको थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है, और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी बेहतरीन है और ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी ड्राइनेस होती है। आप लोग मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं आफ्टर फेस वॉश तो बहुत अच्छा ये रहता है। इसमें काफ़ी सारे हैं, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छा है, ये हनी और मिल्क है, इसलिए ये विंटर में ये बेस्ट है, बेस्ट अच्छा है। प्राइस सेकंड भी हिमानी का है, ये एक्चुअली इसकी ये भी 100 ml की बॉटल है और ये भी ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसके कंपेयर किया जाए दूसरे वाले को तो दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है, दोनों का 19-20 का कोई फ़र्क आ रहा है। अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन अगर आप वो वाला लेते हैं तो प्राइस के हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट है पहले वाला। ये अच्छा है लेकिन उस जैसा ही है, इतना कोई खास इसमें फ़र्क नहीं है, चाहे कोकोनट का है, तो इसलिए ये ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, आगे है जी डव का फेस वॉश, और ये बहुत ज़बरदस्त है ड्राई स्किन वालों के लिए, तो कमाल का है। आफ्टर फेस वॉश आप अगर मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाते तो भी ये स्किन को ड्राई नहीं करता। मैं दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में, और अगर मैंने डे में मेकअप किया है तो भी मैं इस्तेमाल करूँ तो भी ये स्किन को ड्राई नहीं करता, मतलब कि ये कमाल है। अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं, और ये बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में इस्तेमाल होता है, 400 की रेंज तक है, और ये कितने ml 100 ml की, 100 grams की ये बॉटल है, और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटीज की यूज़ होती है, और बहुत ज़बरदस्त है, मतलब के बस ज़बरदस्त है। ओके जी, नेक्स्ट है वॉशिज है, और ये बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ होता है, और आप काफ़ी टाइम तक ये बॉटल चलती है, काफ़ी टाइम तक 100 ml की ये बॉटल है, और छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स हैं। क्लीन एंड क्लियर का आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हैं, सभी कमाल के हैं, सभी मैंने यूज़ किए, सभी मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ 1 by 1, और मुझे इससे कोई मसला नहीं हुआ। मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, ड्राई है, और ये विंटर समर में बेस्ट है। क्लीन एंड क्लियर की आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, वो टोनर मैंने यूज़ किया है बेस्ट है, फेस वॉशेज यूज़ किए हैं सारे बेस्ट हैं, आप फेस वॉशेज कोई भी इनमें से ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, तो ये भी रिकमेंडेड है। ओके जी, लास्ट वन की तरफ चलते हैं। ये सारे फेस वॉशेज बता दिए हैं, अब एक फेस वॉश है जो बहुत ज़बरदस्त है, मैं बहुत ज़्यादा जब मेकअप इस्तेमाल कर लेती हूँ उसके बाद मैं एक दफ़ा वो लाजमी हफ्ते में अपने फेस पे लगाती हूँ। आपने हाथ पे ही लेना है, कोई मिक्स नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, दो ही इंग्रेडिएंट्स है,
और ज़बरदस्त है, और उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है ना वो अंदर से सारा जो है वो क्लीन करेगा, पोर्स तक को नीट करेगा। तो अब चलते हैं उसकी तरफ और फिर वापस आते हैं। ओके जी, थोड़ा सा आपने लेना है, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम लेना है बेसन लेना है, और उसी में आप लोग ऐड कर लें थोड़ा सा चुटकी भर, लेकिन थोड़ी सी भर के चुटकी लेनी है, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जो भी आपके पास है। कपड़े धोने वाला सोडा नहीं लेना, ये बेकिंग पाउडर यानी कुकिंग वाला जो है ना सोडा वो लेना है चुटकी भर के, और आपने फेस को हल्का हल्का रब करना है और अपने फेस को वॉश कर लेना है। आप इसके इस्तेमाल के बाद देखें कितनी ज़्यादा स्किन जो है ना वो सॉफ्ट सी हो गई है। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया था, मैंने वाइप आउट करके अपनी स्किन को साफ़ किया है, और ये एक ही दफ़ा में स्किन बहुत अच्छे से हो गई है साफ़ जी। आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से मैंने घर का फेस वॉश यूज़ किया है, और बहुत ही आसानी से बन सकता है, आप कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही ना ही मिक्स करने वाला है ना ही बना के रखने वाला है, आप हाथ पर ही डालें वो दोनों इंग्रेडिएंट्स और उसमें पानी मिक्स करके अपने फेस को साफ़ कर लें, और बहुत ही आसानी से जो है ना स्किन नीट हो जाती है। ओके जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक के लिए देव महानी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।